जस्टिस में इसके अन्याय में हम सब मौजूद हैं। जय हिंद दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स में पल्लवी जोशी ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण नकारात्मक किरदार निभाया है। वह प्रोफेसर राधिका मेनन की भूमिका निभाती है, जो कि रियल लाइफ जेएनयू प्रोफेसर निवेदिता मेनन का किरदार निभाती है, जो जेएनयू में प्रोफेसर हुए और अपने छात्रों को आजाद कश्मीर के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। दरअसल दोस्तों, निवेदिता मेनन को टीचर करना उतना ही सही है जितना मच्छर को कमजोर समझना। निवेदिता मेनन जेएनयू में वहाँ के स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करती थी और स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाती थी कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंडिया का कश्मीर पर इलीगल कब्जा है। निवेदिता मेनन फेक फैक्ट्स के आधार पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती थी ताकि वो फ्री कश्मीर का नारा लगाएं। आपको एंड में जेएनयू की स्पीच भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले द कश्मीर फाइल्स पर अगर किसी को लगता है कि कुछ तो फिल्म में मेकर्स ने एड ऑन किया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके उलट मूवी में हर चीज को थोड़ा घटाकर दिखाया गया है। अगर वास्तविकता दिखाई जाती तो शायद ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं तस्वीर में कैसे वहाँ के लोगों ने जुर्म सहा होगा। चलिए अब आपको वो क्लिप दिखाते हैं। क्योंकि इतिहास एक बार हम जान गए तो राष्ट्र के सारे रहस्य खुल जाएंगे, राष्ट्रवाद का पोल खुल जाएगा, यही है प्रॉब्लम। तो अगर आप तो जब हम देखते जब हम कहते हैं बार बार इंडिया इंडिया, 15 अगस्त 1947 में और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। लेट अस गो एंड इन्वेड द यूएस, लेट अस गो एंड इन्वेड द यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज वी आर अ ग्लोबल सुपर पावर। एंड दे आर सेइंग कश्मीर इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।